हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता ब्लॉग्स। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं आड़ू के बारे में। प्रायः आड़ू को अंग्रेजी में पीच भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम प्रूनस पर्सिका है। यह फल रोजेसी कुल में आता है। इसका उत्पत्ति स्थान चीन है। यह एक डेसीडुअस प्लांट है जो भारत के पर्वतीय तथा उप पर्वतीय भागों में इसकी खेती की जाती है। इसके ताजे फल खाए जाते हैं तथा फल से जैम, जेली, चटनी बनाई जाती है। जहाँ पर जलवायु ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्म है, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप वाले वातावरण में इसकी सफल खेती हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं इसके लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी का होना अनिवार्य है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको जो है क्यों खाना चाहिए। क्योंकि इस फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, विटामिन ए, विटामिन बी नाइन, प्रोटीन्स, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी दो प्रजातियाँ होती हैं, एक तो देसी होती है, एक विदेशी होती है। देसी में आती हैं आगरा, पेशावरी, हरदोई और विदेशी में आती है अर्ली, बिडविल्स अर्ली, डबल फ्लावर, लिंग एंड फ्राइड एंड हॉग, अल्बर्टा आदि होती हैं। हम आपको बताते हैं कि इसका प्रजनन जो है बडिंग के थ्रू होता है, जो कि अप्रैल मई में किया जाता है। इसको दिसंबर में लगाया, दिसंबर और जनवरी में जो है 15 से 18 फीट की दूरी पर लगाया जाता है। इसमें जो है गोबर की खाद को नवंबर दिसंबर में डाल दिया जाता है, जिससे जो है जो खेत की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाती है। और हम आपको बता दें, इसमें कई सारे इंसेक्ट लगते हैं। इसके लिए जो है इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, जैसे स्टम बोरर एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।